अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल हसन एकेडमी पर वेलकम करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ एनिमेशंस देखेंगे, देन हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड फ्लो की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, और फिर एट द एंड इस लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशंस होती हैं। तो चलें बेटा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम कहते हैं द मैक्सिमम एंड द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय द फॉलिंग बॉडी व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? हम कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ठीक है गिर रहा होता है नीचे की तरफ, तो तब ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी इस तरह से आप समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, उस वक्त दो फोर्सेज उसके ऊपर लग रही होती हैं। एक तो उसका वेट जो कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा होता है, दूसरा उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है जो कि उसको अपवर्ड मोशन में मूव करवा रही होती है। जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल बन जाती है, जो ड्रैग फोर्स और उसका वेट है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है, तो जब ये इक्वल हो जाती है तब तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो वो वेलोसिटी गेन करता है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको मजीद जो है ना एनिमेशन से समझते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ठीक है पैराट्रूपर्स हैं, ये स्काई डाइवर्स हैं, ये ठीक है डाइव करेंगे। अब देखिए ये जो है ना जब इसने डाइव किया है तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ग्रेविटी की जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और ये जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये एयर रेजिस्टेंस के पार्टिकल हैं, यानी एयर के पार्टिकल हैं जिसको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाते हैं, इसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। तो ये लार्ज नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। तो शुरू में जब पर्सन जो है वो डाइव करता है तो ड्रैग फोर्स कम होती है, यानी हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाती है। तो इवेंचुअली जो है ड्रैग फोर्स जो है वो हम कहते हैं ड्रैग फोर्स जो है वो ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो एक जो वेलोसिटी गेन कर लेता है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी को हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये भी एक वही ठीक है केस है, ये पर्सन नीचे आ रहा है, शुरू में देखें ड्रैग फोर्स कम थी, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स ज्यादा हो रही है। अच्छा, जब ये पैराशूट ओपन करता है तब स्टार्ट में ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होकर वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब वो पैराशूट ओपन करता है उसका रेडियस ज्यादा है तो उसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा लग रही होती है। तो बट दोनों केसेस में वो ड्रैग फोर्स जो है वो ग्रेविटी के जब इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है, और टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है, उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। तो ठीक है जी, अब इसको मजीद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे हम ठीक है कंसिडर करते हैं, डेफिनेशन हमने इसकी पहले देख ली थी, एक ड्रॉपलेट कंसिडर करते हैं जो कि फॉल कर रहा है, फॉग ड्रॉपलेट। तो हम कहते हैं ये जो फॉग ड्रॉपलेट है इस वक्त इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं जब ये फॉल कर रहा होता है, एक तो इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, दूसरा इसके ड्रैग फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहां से नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स के, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, और जब स्पीड इंक्रीज करती है तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती है, और वो इंक्रीज होते होते इवेंचुअली जो है वो जो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी या उसका वेट है उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो जब इक्वल हो जाती है तब हम कहते हैं कि इसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली सब्जेक्ट ने जब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाती हैं। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो हम कहते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अभी हमने पीछे एनिमेशन में भी देखा था, जब टर्मिनल वेलोसिटी
गेन कर लेते हैं, हम कहते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगती है, जिस वजह से एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाता है, ठीक है, नेट फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर दी जीरो, क्योंकि इस केस में फोर्स जीरो लग रही होती है, बाकी भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए नेट फोर्स की जगह पे जीरो है, इक्वेशन में मजीद वैल्यूज पुट करते हैं। वेट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वेट की फॉर्मूला आपको पता है एम जी, यहाँ से ड्रैग फोर्स इक्वल होती है 6 पाई ईटा आर वी, इसके साथ डी लगा लेते हैं, यानी ये टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस ये फैक्टर इधर माइनस हो रहा है, उधर ले जाए, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 6 पाई ईटा आर वी टी, इधर से आ गया एम जी, यहाँ से आपने बी टी निकालना है, तो इस इक्वेशन को मजीद ठीक है रीअरेंज कर ले, ये सारे फैक्टर्स इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया वी टी इज इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर वी टी। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा गेन करेगा। जैसे ये फोग ड्रॉपलेट है, इसका मैस बहुत कम होता है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत कम होती है। अच्छा, अब ये जो मैस है, अब जैसे ये बहुत स्मॉलर पार्टिकल है, इसका मैस फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं मैस को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जो है ना वो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मजीद उसको मॉडिफाई करते हैं इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से ठीक है हम रिलेशन बना सकते हैं। अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी का ठीक है फॉर्मूला पढ़ा पीछे, ठीक है टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या हमारे पास आया था, ये आया था हमारे पास एम जी ठीक है 6 पाई ईटा आर, तो ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिये यहाँ से हमारे पास जो है डेंसिटी इक्वल होती है, हमें पता है डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, यहां से हम ठीक है मैस का फॉर्मूला लिख सकते हैं रो इनटू वी। अच्छा ये जो आपके पास फोग ड्रॉपलेट था, चूंकि ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है फोग ड्रॉपलेट, ठीक है स्फेरिकल फॉर्म में, इसका वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 πr³, ठीक है स्फेयर के लिए या स्फेरिकल फॉर्म में, तो यहां से मैं यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा रो वॉल्यूम की वैल्यू है 4/3 πr³। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको ठीक है इक्वेशन कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, मैं इस वैल्यू को, ये जो मैस की वैल्यू मैंने निकाली है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास देखें जी इक्वेशन 2 है वी टी इज इक्वल टू एम की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है बाकी फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा, तो एम की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा रो 4/3 πr³, ये एम की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, बाकी फैक्टर ऐसे लिख लेता हूँ जी 6 πe r, तो यहां से आप देखें ये r का क्यूब है, यहां से एक r इससे कट जाएगा, ये पाई इस पाई से कट गया, और बाकी जो है ना बाकी फैक्टर उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये यहां से ऊपर आ जाएगा आपके पास 4 ये रो, और इधर से और क्या बचा, आर स्क्वायर बचा है साथ में जी बचा है, और इधर से देखें 6/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6/3 = 18, और यहां से साथ में बाकी फैक्टर कैंसिल हो गए थे, तो ईटा बचा हुआ है, ठीक है तो इसको भी मजीद कट कर दें, 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 = 4 2 9 = 18, तो यहां से आपके पास जो बच गए रिलेशन आ गई टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाते हैं वी टी इज इक्वल टू 2 ठीक है रो जी आर स्क्वायर, इसको मैंने ठीक है थोड़ा सा वो रीअरेंज करके लिख लिया, तो यहां से आ गया 9 ईटा, तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्लीन रिलेशन बन गई, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने बना लिया रिलेशन, तो यहां से ठीक है पता चल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है यानी अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो स्फीयर था हमारे पास फोग ड्रॉपलेट था, अगर इसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर रेडियस कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, तो यहां से हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फोग ड्रॉपलेट, ठीक है
स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द फोग ड्रॉपलेट। तो ये कुछ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में चीजें थी ये हमने देखी। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट नेक्स्ट जो है हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लू। ठीक है, इससे पहले हम फ्लूड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूड, फ्लो हमने पढ़ना है आज। तो फ्लूड के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्लूड जो है बेसिकली क्या होता है। हम कहते हैं हर सब्सटेंस जो फ्लो कर सकती है उसको हमने फ्लूड कहा था। ठीक है, फ्लूड का मतलब था टू फ्लो, और फ्लूड के अंदर गैसेस और लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं। फ्लूड की फ्लो की दो टाइप्स होती हैं जनरली, लैमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरी टाइप होती है टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको मजीद एक सिंपल सी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या होता है, ये जो टैब है, नल है, इसको जब आप, ठीक है, स्लो स्पीड पे करिए, आहिस्ते से उसको हल्का सा ओपन किया हो, तब जो फ्लो होता है बड़ा स्मूथ फ्लो होता है, तो उस फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। जब उसको टैप को फुल ओपन कर दे तो आप देखते हैं वो पानी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा होता है, उस वक्त तो जो फ्लो जो बन रहा होता है हम उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मजीद एक डिटेल से देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। सबसे पहले लैमिनर फ्लो की डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं द फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर और स्ट्रीम लाइन इफ एवरी पार्टिकल डस्ट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ As followed by the particles which passed those point earlier. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम consider कर लेते हैं, let's say कोई point यहाँ पे ये है, कोई point A है, ठीक है, B point है, इसी तरह से ये C point है। तो अब अगर ये point इस layer पे जा रहे हैं, जो path A follow करेगा, B भी वही path follow करेगा, C point भी वही path follow करेगा, तो इस तरह से एक path follow करते हैं। ये जो particle path follow करते हैं, इन path को हम कहते हैं streamline। ठीक है, पाथ को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। और ये जो एक तो इस फ्लूड के अंदर, ठीक है, ये जो फ्लो होता है इसमें ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, और इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये मैं आपको बता दें, एक तो ये जो स्ट्रीम लाइन, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस फ्लो की। एक तो स्ट्रीम लाइन जो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं ये जो फ्लू स्ट्रीम लाइन फ्लो है या लैमिनर फ्लो है ये लोअर स्पीड्स पे होता है। ठीक है, जब फ्लूड लो स्पीड से फ्लो कर रहा है तो उस वक्त तो जो ये जो है ये लैमिनर फ्लो होता है जनरली। और दूसरी बात हम कहते हैं कि जब ये जो लैमिनर फ्लो होता है ये बहुत ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, डोंट प्रोड्यूस मच नॉइज। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम कहते हैं फ्लो वाटर इन अ वाइड एंड स्मूथ रिवर सरफेस। ये जो दरिया है, ठीक है, उसमें स्मूथली जब वाटर फ्लो कर रहा होता है उसको हम लैमिनर फ्लो कह सकते हैं। इसी तरह से फ्लो ऑफ जेंटल ब्रीज, एंड देन हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास लैमिनर फ्लो की। अब देखते हैं, अच्छा, लैमिनर फ्लो को हम स्टेडी फ्लो या रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, लैमिनर फ्लो को हम लैमिनर फ्लो को हम स्टेडी फ्लो या, ठीक है, रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन हम करते हैं, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो जैसे हमने पिछले केस में देखा, वहां पे पार्टिकल स्मूथली मूव कर रहे थे और स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता, ये एक इरेगुलर फ्लो होता है। और ये जो है ना ज्यादातर जो है हायर स्पीड्स के ऊपर, जब फ्लूड की स्पीड ज्यादा होती है तो तब फ्लो जो है वो उसकी मोशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, या जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन। पहाड़ के ऊपर से जब पानी नीचे आ रहा होता है तो तब उसको जो है ना हम कह सकते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो को फॉलो कर रहा होता है। फ्लो ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, फिर वेरी स्ट्रॉन्गली फ्लोइंग विंड, पीछे हमने देखा था जेंटल ब्रीज जो है उसको हम लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा था। उसके फ्लो को जब हवा बहुत तेजी से चल रही हो तो उसको हम कहते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, का पैटर्न होगा। फिर हमारे पास है वाटर फ्लो एट सी शोर, यानी सारे समुद्र के ऊपर जो पानी का फ्लो है वो भी
हमारे पास जो है वो टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल है। तो अब इसके बाद जो है ना हमने देखा, ठीक है, लैमिनर स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखा, टर्बुलेंट फ्लो को देखा। अब एट द एंड लेक्चर के एंड पे हमने देखना आइडियल फ्लूड क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूड जो है वो आइडियल होगा अगर ये कुछ कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि फ्लूड जो है वो नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब है कि उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा जीरो हो। कहने का मतलब कि वो जो भी फ्लूड है उसके जो लेयर्स है उसमें इंटरनल जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं वो नॉन विस्कस है। तो ये आइडियल फ्लूड होने के लिए ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आइडियल फ्लूड होने के लिए ये है कि हम कहते हैं वो फ्लूड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, हम कहते हैं उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो। तो ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है किसी फ्लूड के आइडियल होने के लिए। तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है, हम कहते हैं द फ्लूड मोशन इज स्टेडी। अभी हमने जैसे पीछे देखा यानी लैमिनर टाइप या ठीक है स्मूथ मोशन हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम फ्लूड जो है वो उसको आइडियल फ्लूड कहेंगे। तो बेटो बच्चों ये आज का ठीक है हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।